पहाड़ प्रभात में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी को कोरोना हुआ है। अमृता रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल कैबिनेट की मीटिंग में शामिल भी हुए थे सतपाल महाराज। सतपाल महाराज का घर कुछ दिन पहले ही क्वारंटीन किया गया था, उनके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया था। और अब बड़ी खबर ये आपको बता रहे कि सतपाल महाराज की पत्नी जो अमृता रावत हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृता रावत जो सतपाल महाराज की पत्नी हैं, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कल कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल हुए थे सतपाल महाराज। सतपाल महाराज का घर कुछ दिन पहले ही क्वारंटीन किया गया था। सतपाल महाराज के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया था, कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, जिसके चलते उन्हें उसी घर में क्वारंटीन किया गया था। और अब बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत भी, अमृता रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और क्वारंटीन के बाद भी सतपाल महाराज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी को कोरोना हुआ है। अमृता रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्वारंटीन के बाद भी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए सतपाल महाराज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृता रावत जो सतपाल महाराज की पत्नी है, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और सतपाल महाराज का वो सरकारी, वो निजी आवास है जहाँ पर रिपोर्ट चस्पा किया, एक नोटिस चस्पा किया गया है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर क्वारंटीन किया गया था कुछ लोगों को। अब उनकी पत्नी जो अमृता रावत है, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो दूसरी तस्वीर सतपाल महाराज की आपको दिखा रहे हैं कि क्वारंटीन के बाद भी सतपाल महाराज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। तो दो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब चिंता और ज्यादा इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की वाइफ भी अब कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसमें बड़ा सवाल ये है कि मंत्री अभी कुछ दिन पहले जो उनका निजी आवास है उसको क्वारंटीन किया गया था क्योंकि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। हालांकि मंत्री जी ने ये कहते हुए अपने आवास से सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए थे कि वो उनसे नहीं मिले हैं और इस वजह से वो जनता से मिलने के लिए सरकारी आवास पर रहेंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वो मंत्री जी का सरकारी आवास है और मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ा हूँ। सवाल इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर जो मंत्री जी की वाइफ जो पॉजिटिव आई हैं, अगर वो इसी आवास में थी, सरकारी आवास में, तो कहीं ना कहीं मंत्री खुद इस आवास में थे। ऐसे में और ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन स्थिति इस वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि इस मसले पर ना तो स्वास्थ्य विभाग कुछ बताने के लिए तैयार है, ना ही प्रशासन इस पर कुछ बताने के लिए फिलहाल तैयार है। हालांकि इतनी पुष्टि हो पाई है कि कैबिनेट मंत्री की जो वाइफ हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ गई हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री दो बार, एक बार उनका जब घर क्वारंटीन हुआ तो उसके बाद जो है कैबिनेट में वो भाग ले चुके हैं और इसके बाद एक बार फिर उन्होंने कैबिनेट में भाग लिया। ऐसे में अगर कैबिनेट मंत्री जिस सरकारी आवास में रह रहे हैं, उनकी वाइफ भी अगर उसी आवास में रह रही थी, तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब 26 मई को सतपाल महाराज के निजी आवास पर कुछ लोग दिल्ली से पहुंचे थे तो उनके आवास में उन्हें क्वारंटीन किया गया था और घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया था। तो वहीं 27 मई को प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भी एक ऐसा ही नोटिस चस्पा किया गया था। हालांकि बाद में उसे हटाने की कोशिश भी की गई, उस पर लिखी क्वारंटीन की अवधि भी मिटा दी गई थी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस बात को माना था कि ये नोटिस पार्टी महामंत्री संगठन अजय कुमार के कारण लगाया गया था क्योंकि अजय कुमार यूपी के सहारनपुर से लौटे थे।
तो सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव आई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, जिस तरह से सतपाल महाराज सरकारी आवास में रह रहे थे, क्या उनके साथ उनकी पत्नी भी रह रही थी? अगर ऐसा है और उसके बाद कैबिनेट मंत्री खुद कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए, तो ये स्थिति कितनी गंभीर बनती है और इसमें क्या जानकारी अब तक सामने आ पाई है? देखिए, स्थिति गंभीर है कौशल, और ये भी देखा जा रहा है कि कल ही जो सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, उनकी पत्नी को ऐसे सिम्टम्स उनमें पाए गए थे और उनकी तबीयत खराब थी और बुखार के कुछ लक्षण हैं। तुरंत उन्होंने एक निजी लैब में रिपोर्ट सैंपल्स लिया गया, अपने जाँच कराई, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसको लेकर पूरी तरह से सख्ते में अब पर्यटन मंत्री हैं, और ऐसे में जब उनका आवास को पूर्व से ही क्वारंटीन कर दिया गया था, अब ऐसे में मंत्री लगातार मीटिंगों के दौर में या बैठकों के दौर में, कैबिनेट बैठकों में भी वो गए हैं, सभाओं में भी गए हैं, तो वो जरूर गंभीर विषय जरूर है। लेकिन अब जो मैं आपको अपडेट बता दूं कि जो उनकी पत्नी है अमृता रावत को अब ऋषिकेश एम्स में भर्ती करने की तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ रात ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से, टीम की ओर से सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री का भी सैंपल्स लिया गया है, लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। पूरा गंभीर मसला बनता जा रहा है, और अगर ये माना जाए, अगर क्योंकि अगर एक परिवार में कोई रहता है, तमाम मिलना जुलना पारिवारिक चीज़ें होती हैं, और ऐसे में सतपाल महाराज का अगर पॉजिटिव पुष्टि हो जाती है तो उन लोगों यानी उन मंत्रियों के लिए भी एक गंभीर विषय आ सकता है कि सरकार के अन्य मंत्री भी क्वारंटीन किए जा सकते हैं, क्योंकि पूर्व में यानी दो दिन पहले ही कैबिनेट बैठक में सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री है वो कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी, तो ये भी एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। लिहाजा अब उनकी पत्नी को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उस रिपोर्ट पर टिकटिकी लगाए बैठा हुआ है जो सतपाल महाराज की रिपोर्ट आने का इंतजार है, क्योंकि तब ही ये सामने हो पाएगा और तभी इस पूरे मामले से पर्दा हट पाएगा। आखिरकार सतपाल महाराज का जो सैंपल लिया गया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन पूरी तरह से कई लोगों के सामने अब जरूर चुनौती ये बन गई है, क्योंकि लगातार सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री लगातार ऐसे ऐसे बैठकों में जा रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं अलग अलग, और ऐसे में उनके घर को पूर्व से ही क्वारंटीन कर दिया गया था। जब दिल्ली से उनके घर पर आवास पर कुछ लोग मिलने आए थे, तो ऐसे में लगातार मंत्री सतपाल महाराज को आखिरकार क्या आवश्यकता थी कि जब पूरा आवास उनका क्वारंटीन है कि वो ऐसे में बैठकों के दौर में जाएं, तमाम जितनी भी कैबिनेट बैठक है वहाँ पर वो शामिल हो, तो अब ये तो सवाल बड़ा है ही है, लेकिन इंतजार इस बात का है आखिरकार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। अगर पॉजिटिव आती है तो पूरे मंत्रिमंडल को क्वारंटीन करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। बिल्कुल, तो स्थिति गंभीर है और सतपाल महाराज का भी सैंपल लिया गया है, जिस तरह से हमारे संवाददाता विनोद बता रहे हैं। सतपाल महाराज की पत्नी ऋषिकेश एम्स में भर्ती होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सतपाल महाराज के भी सैंपल लिए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और अब उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। सतपाल महाराज की पत्नी ऋषिकेश एम्स में भर्ती होंगी, सतपाल महाराज की भी ब्लड सैंपल लिए गए हैं और अब उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत को की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ये तमाम स्थिति बन रही है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चार चरणों के बाद अब 1 जून से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है और धीरे धीरे 8 जून के बाद अब देश भी अनलॉक होने लगेगा। क्या काफी कुछ छूट मिली है तो कुछ पाबंदियां भी रहेंगी, अनलॉक 1 पर यह रिपोर्ट देखिए। 25 मार्च से लॉकडाउन में पड़ा हिंदुस्तान अब अनलॉक होने जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 68 दिनों में 4 लॉकडाउन की मार झेल रहा देश अब नई रियायतों के साथ फिर से पटरी पर लौटने वाला है, लेकिन लोगों को ये रियायतें एक साथ नहीं बल्कि 3 चरणों में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन सरकार ने इसे लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक नाम दिया है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। अनलॉक का पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, जिसमें शर्तों के साथ ज्यादा रियायतें होंगी। 8 जून से देश में होटल और रेस्टोरेंट के साथ धार्मिक स्थल भी खोलने की इजाजत दे दी गई।
8 जून से ही शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा। अनलॉक में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और ये नाइट कर्फ्यू 30 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान सामाजिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहेगी और अनलॉक का दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक 1 में पहले की तरह लोगों को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक के पहले फेज में लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अनलॉक 1 में भी शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर पान और गुटखा खाकर थूकना गैर कानूनी है। दरअसल 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से देश में तमाम आर्थिक गतिविधियां और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और सरकार के सामने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ ही देश की आर्थिक सेहत सुधारने की दोहरी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार धीरे धीरे फिर से बाजारों, दुकानों और जरूरी सेवाओं को एक के बाद एक शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। तो अनलॉक 1 की गाइडलाइन केंद्र ने जारी कर दी है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। विनोद, जिस तरह से उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अनलॉक 1 की गाइडलाइन भी जारी हो गई है जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगी, ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी? जी देखिए कौशल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में संख्याओं में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और एक सप्ताह ऐसा हो गया है कि जिसमें लगातार सैकड़ों की संख्या में हर दिन यानी प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है संख्या, ऐसे में वो गंभीर विषय तो है ही और सामने साथ ही साथ राज्य सरकार के सामने चुनौती भी है। आखिरकार ये बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए? आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ में आवास पर एक बैठक बुलाई है, जिसमें आज जिस तरह से लगातार लॉकडाउन 4 की मियाद आज खत्म हो रही है और अनलॉक की तमाम ऐसी जो गाइडलाइन आई है उसके संदर्भ में आज वो अधिकारियों से बात करेंगे। अब जहां रियायत की बात है कि लगातार जहां उत्तराखंड में रियायत दे दी गई है, लेकिन अब लॉकडाउन 4 या माफ कीजिए कि 5 की भी जिस तरह से गाइडलाइन आई है उसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आखिरकार किन किन क्षेत्रों पर और रियायत दी जाए। ऐसे में लगातार 8 जून के बाद ही तमाम शैक्षिक संस्थान, जिम, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, तमाम ऐसे ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अब 8 जून के बाद ही जो राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोग हैं उनको पास बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम जितने भी गाइडलाइन है उस महत्वपूर्ण मसलों को लेकर आज बैठक होगी, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उत्तराखंड में वो चिंता का विषय जरूर है और चुनौती भी सरकार के सामने है। आखिरकार नियंत्रण कैसे कर पाए? अब नई गाइडलाइन के साथ में जिस तरीके के नियम होंगे उनको फॉलो किस तरीके से कराया जाएगा, तमाम ऐसे मसलों को लेकर आज सीएम बैठक करेंगे और बैठक में ही साफ तौर पर शाम तक ये पता चल पाएगा आखिरकार राज्य किस तरीके से तैयारी है लॉकडाउन 5 को लेकर। और ऐसे में लगातार शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चार धाम यात्रा हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, तमाम यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु राज्य सरकार के सामने है। आखिरकार चार धाम यात्रा यानी पर्यटन गतिविधि को किस तरीके से सुचारू किया जाए वो सबसे बड़ी चुनौती है और किस तरह से अब लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन के आधार पर ही राज्य सरकार अपनी तैयारी करने में जुट गई है और लोगों को किस तरीके से पालन करना होगा। हालांकि रियायतें पूर्व से ही उत्तराखंड में दे दी गई थी, लगातार रियायतों का दौर लगातार जारी था और यही वजह है कि जहां एक तरफ राज्य सरकार ने लोगों को रियायत दी और प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड में आए तो उनकी ही वजह से लगातार संख्या में इजाफा होना भी एक कारण बनता नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन यानी अनलॉक की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके आधार पर किस तरह की तैयारी होगी, कैसे कैसे नियम होंगे वो शाम तक का इंतजार करना होगा। शाम के बाद ही बैठक बुलाई है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को, अनलॉक 1 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने बैठक बुलाई है। उत्तराखंड में अनलॉक 1 की गाइडलाइन पर चर्चा की जाएगी, किस तरह की छूट होगी, क्या नियम लागू होंगे उत्तराखंड में, क्योंकि लगातार मामले जो हैं प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ऐसे में अनलॉक 1 को लेकर गाइडलाइंस पर चर्चा होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में अनलॉक 1 की गाइडलाइन को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं।
जोशीमठ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जोशीमठ से अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू होगी। हेमकुंड और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव से हटेगा अतिक्रमण। बड़ी खबर जोशीमठ से। 2.102 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र में अधिक जो अतिक्रमण है वो चिन्हित कर लिया गया है। 10 जून को प्रशासन और पुलिस इस अतिक्रमण को हटाएगी। बड़ी खबर जोशीमठ से, अतिक्रमण पर अब पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करेगा। हेमकुंड और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव से ये अतिक्रमण हटेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। न्यायालय ने निकायों से नियम कड़ाई से लागू करने और कड़े नियम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत पूर्व में राज्य और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों पर असंतोष जताया था। न्यायालय नैनीताल की ओर से कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का एक निर्णय जारी हुआ है इस जनहित याचिका में जो आयोजित की गई थी। इस जनहित याचिका में मुख्य तौर से दो ही मांगे थी। एक ये थी कि जो फाइन्स हैं और जो चालान हैं इस एक्ट के तहत जो नहीं हो रहे थे पूर्व में वो हों और उनका जो है कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरा जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए सभी स्थानीय नगर निकायों में उसको तैयार करने के लिए जो है स्थानीय नगर निकाय कुछ कोशिश करें। दोनों ही मांगों को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो एक्ट है 2016 का, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, फार साइटेड लेजिस्लेशन है, और इसको लागू करना जो है राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों को सुनिश्चित करना है। लॉकडाउन में कुंभ मेले के तमाम कार्यों की अनुमति मिल गई, लेकिन काफ़ी वक्त से कुंभ मेले का काम अधर में लटका होने की वजह से अभी भी कई ऐसे काम हैं जो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कोर कॉलेज से लेकर शांति कुंज तक 28 किलोमीटर के कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने एनएच के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही समय से काम पूरा करने के लिए लेबर और मशीनरी बढ़ाने के साथ काम की मॉनिटरिंग के लिए जगह जगह आईपी कैमरे लगाने की भी बात कही है। टिहरी में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान धन सिंह रावत ने कोरोना महामारी के लिए जिले को दिए गए 7 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करने पर नाराजगी जताई। धन सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्वारंटीन सेंटरों में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक 5 लाख रुपये टिहरी जिले में खर्च हुए हैं, लेकिन आज हमने बैठक में निर्णय लिया है कि तुरंत जहाँ भी, चाहे हमारे सीएससी सेंटर हो, चाहे पीएससी सेंटर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, उन सब के लिए गांव-गांव में चाहे मास्क की ज़रूरत हो, सैनिटाइज की ज़रूरत हो, पैसे की दिक्कत बिल्कुल टिहरी ज़िले में नहीं है। और जो भी खर्चा होगा हमारी सरकार उस पर करेगी, और मुझे लगता है कि अब जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कि खाने की व्यवस्था से लेकर उनके भोजन की किट की व्यवस्था से लेकर सब व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। काशीपुर में ई वे बिल के जरिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जी फर्म बनाकर करीब 529 करोड़ रुपए की धांधली हुई है। ई वे बिल के जरिए फर्जीवाड़ा, फर्जी फर्म बनाकर बड़ी धांधली। करोड़ रुपए का गड़बड़झाला। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे व्यापार के नए तरीके विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे ठगों ने भी ठगी के नए नए रास्ते बना लिए हैं। काशीपुर में ई वे बिल के जरिए ठगी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। ठगों ने फर्जी फर्म बनाकर सरकार को 529 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जांच में ऐसी कई फर्म की जानकारी मिली जिनके पते फर्जी हैं। इन फर्जी एड्रेसेस का इस्तेमाल सिर्फ ईवे बिल बनाने के लिए किया जाता था।
ईवे बिल के तहत फ्रॉड का मामला सामने आया है। फ्रॉड लगभग 529 करोड़ का है। दो तरफ से जो है फर्म्स जनरेट की गई हैं, इसमें जहां से सामान आना है और जहां तक जाना है, लेकिन दोनों ही तरफ जो एड्रेस हैं वो फेक हैं। बीच में जो ई बिल बनते हैं उसको सामान को लाने ले जाने के लिए उसके नाम पर फिर क्लेम करने के लिए जो है इन्होंने ये फ्रॉड दस्तावेज बनाए हैं। इस गड़बड़ झाले के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच के लिए बनाए गए कमेटी की जांच में पता चला कि इसमें कई फर्म शामिल हैं, मगर वो सभी फर्जी तरीके से संचालित हो रही थी। असल में ये फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका इस्तेमाल सिर्फ ईवे बिल बनाने के लिए ही किया जा रहा था। पूर्व में जो व्यापार कर आयुक्त हैं हमारे उत्तराखंड राज्य के, उनके द्वारा एक कमेटी गठित करके इसकी जांच कराई गई थी। जांच में ये फ्रॉड सामने आया था, तो हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। सर, लगभग कितनी फर्म है इसमें? देखिए, इसमें इस रीजन में पूरे 34 फर्म्स हैं, लेकिन वो फर्म जो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखाया गया है सब फेक। कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड में ईवे बिल में करीब 8500 करोड़ का ऑनलाइन फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, जिसमें 70 फर्मों ने 2 महीने में फर्जी तरीके से राज्य के भीतर और बाहर करीब 8500 करोड़ के ईवे बिल बनाए थे। इन 70 में से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के बिल बना रही थी। 26 फर्मों के माध्यम से चप्पल की बिक्री अन्य राज्यों में दिखाई गई थी। GST लागू होने के बाद ईवे बिल के जरिए फर्जीवाड़े के इन मामलों की जड़ें और गहराई तक जमी हुई हैं, ये भी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, ABP गंगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। टिड्डी दलों को लेकर उत्तराखंड में कृषि विभाग अलर्ट पर है। कृषि विभाग की ओर से किसानों से भी चौकन्ना रहने को कहा गया है, लेकिन किसानों को इस बात की चिंता खाए जा रही है कि इस मुसीबत से बचा कैसे जाएगा। इन टिड्डी दलों ने इस समय किसानों की टेंशन बढ़ा रखी है। उत्तराखंड के किसान भी टिड्डी दल की वजह से परेशान हैं। उत्तराखंड के 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर खेती होती है। ऐसे में किसानों को खतरा है कि कहीं टिड्डी दल इनकी फसलों को चट ना कर जाए। ये जो टिड्डी का प्रकोप इस समय चला हुआ है, पहले तो लॉकडाउन के मार से हमारा जो उत्तराखंड है पहले से जूझ रहा है, और अब ये टिड्डी आ गई है, तो इस टिड्डी को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। आने से पहले पहले उसे वहाँ से बॉर्डर पे ही खत्म कर देना चाहिए। टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग अलर्ट पर है। शासन की तरफ से आपदा प्रबंधक समिति बनाई गई है, जो सभी विभागों के साथ तालमेल रखकर काम कर रही है। पहले वाले में तो ये है कि हम बहुत तेज आवाज करें, थाली बजाएं या ड्रम बजाएं या ढोलक बजाएं, जिससे कि वो बैठने ही ना पाए। और दूसरे वाले में जो होता है कि फसलों को कैसे बचाएं, तो उसके लिए हम लोग नीम आयल और जो इंसेक्टिसाइड पे हैं इसके लिए रिकमेंडेड, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर में भी टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से टिड्डी दल को मारने के लिए केमिकल का स्प्रे तैयार है। काशीपुर में और रुद्रपुर में वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम रहेगा और जिले का कंट्रोल रूम मुख्य कृषि अधिकारी के यहाँ रहेगा। ये सारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कहीं से भी कोई संभावना नजर आती है तत्काल इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और जिससे कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकें। हालांकि टिड्डी दल ने किसानों को टेंशन दे रखी है। किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए। बहुत बड़ा किसानों के ऊपर एक संकट है, क्योंकि किसान पहले ही ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से और फिर कोरोना की बीमारी से किसान की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश के अंदर। अब टिड्डी का जो प्रकोप है ये राजस्थान, दिल्ली, NCR और हरियाणा, पंजाब तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है। फसलों के दुश्मन टिड्डी दल को लेकर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इनसे निपटने के लिए दवाइयां भी तैयार हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए सुपरविजन टीमें भी गठित की जा चुकी हैं।
उधम सिंह नगर से विकास कुमार के साथ हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।